हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, उस पल का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। मेरी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। अब आप उस बुक को अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है, तो देखते रहिए वीडियो को पूरा लास्ट तक। फ्रेंड्स, जो मेरी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की बुक है उसका नाम है ए टू जेड स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इसका नाम ए टू जेड स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सभी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के बारे में दिया हुआ है। सभी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को पूरे डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि एक राइटर के लिए ये क्यों लिखना जरूरी होता है स्क्रीन प्ले में, और एक डायरेक्टर के लिए और एक एडिटर के लिए ये क्या महत्व है। देखिए, जब एक सीन खत्म होता है और एक सीन स्टार्ट होता है तो दोनों सीन के बीच में हमें स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को लिखना पड़ता है। तो क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या है और अलग अलग स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस के क्या क्या मतलब होते हैं, कब उनका इस्तेमाल होता है। जैसे आप बहुत सारे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है ये जानते होंगे, जैसे फेड इन ट्रांजिशन होता है, फेड आउट होता है, डिजॉल्व टू होता है, स्मैश कट टू होता है, इंटर कट होता है, बहुत सारे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस है। तो उन सब का यूज क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, फिर एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल चित्रों के हिसाब से जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन है, तो जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, सपोज फेड इन को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो जितने भी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन उसमें दिए गए हैं सबको एग्जाम्पल के साथ और चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो ये एक राइटर के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि स्क्रीन प्ले में उसे लिखना पड़ता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को। और डायरेक्टर के लिए, जो फिल्म डायरेक्टर रहता है, उसके लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि जब वो एडिटर के साथ एडिटिंग पर बैठता है तो क्या होता है कि उसे बताना होता है कि दो सीन्स के बीच में जो कट आ रहा है तो वहां पर कौन सा ट्रांजिशन लगाया जाए। तो एडिटर और डायरेक्टर के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो बुक है ये राइटर, डायरेक्टर और एडिटर तीनों के लिए जरूरी है। तो आप में से जो भी लोग जो राइटर बनना चाहते हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं और जो एडिटर बनना चाहते हैं, वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और परचेज करके स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो बुक है इसमें मैंने आपको बताया कि सभी चीजें एग्जाम्पल्स के साथ दी हुई है, और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो लैंग्वेज मैंने यूज किया है ये हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज मैंने इसे लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई इंडिया की पहली स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की बुक है। तो आप इस ट्रांजिशन की बुक को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का इस्तेमाल अच्छे से अपने स्क्रीन प्ले में कीजिए। जो राइटर्स है वो, और जो डायरेक्टर्स है और जो एडिटर्स है वो, फिल्म में इसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं इस बुक की और कुछ खूबियों के बारे में। देखिए, इस बुक में जो मैंने भाषा इस्तेमाल किया वो तो मैंने आपको बताया कि हिंदी इस्तेमाल किया है, तो हिंदी में भी मैंने बहुत सरल हिंदी का इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि बहुत हैवी हिंदी का मैंने यूज़ किया है ताकि बहुत सारे नए लोगों को पता ना चले इसके बारे में। तो लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सरल है। और एक बात है कि सभी पॉइंट्स को जो एक राइटर है या डायरेक्टर है या एडिटर है उनको अच्छे से समझना होगा। सभी पॉइंट्स को आपको बारीकी से ध्यान लगा करके पढ़ना होगा, समझना होगा, और इसमें आपको अपना समय देना होगा। तो बुक जो है ये बहुत ही अच्छी बुक है मेरे हिसाब से स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की, क्योंकि इसमें टोटल चीज जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन से रिलेटेड है वो दी हुई है। तो आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप एक राइटर है तो, और आप डायरेक्टर है या फिर एडिटर है तो भी आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। मैंने आप सभी के डाउट जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि आप में से बहुत सारे लोगों के 99% डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। और अब बात करते हैं इस बुक की प्राइस की। तो इस बुक की प्राइस जो है ये बहुत अफोर्डेबल हमने रखी है। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं और अभी का जो समय है, जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के मंथ में इस बुक की प्राइस है मात्र हमने रखी है वो है 70 रुपीज, और अगस्त तक इसकी प्राइस वही रहेगी, 70 रुपीज ही रहेगी। और बाकी आगे चल के हो सकता है इसका प्राइस थोड़े बहुत बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसकी प्राइस जो है वो 70 रुपीज ही रहेगी। आप 70 रुपीज मात्र पेमेंट करके उसे परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए नीचे जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, तो नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बुक पर, यानी बुक का जो स्क्रीन है उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो उसमें बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इन ऑप्शंस में सबसे पहले आपको फिल करना है अपना नाम। अपना नाम आप पूरा लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर लिखना है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना
फोन नंबर यानी आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर अमाउंट का जो स्पेस है वहां पर आपको अमाउंट लिखना है 70 रुपीज। 70 रुपीज की ये बुक है तो यहाँ पर आप 70 रुपीज लिख दे, 70 लिख दे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ जो आप नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर कुछ पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, पे लेटर, तो ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें से किसी भी पेमेंट मेथड को चूज करके अपने जरूरत अनुसार आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर आपको इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, तो उस डाउनलोड के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइल जो है वो डाउनलोड हो करके आपके मोबाइल के या फिर लैपटॉप के या फिर आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, तो आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। मात्र 2 MB की फाइल है, 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपको 5-6 रुपया अलग से इंटरनेट चार्जेस लगे उसमें, तो वो आप दे सकते हैं। तो 5-6 रुपीज़ आपको इंटरनेट चार्जेस अलग से लग सकते हैं, तो वो आप पे कर दे। और पे करने के बाद फिर आपको एक ईमेल आएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की बुक है उसे। लेकिन उसके अलावा आपको एकदम आसान से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एक ईमेल आएगा, जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके तुरंत बाद आपको 2-3 मिनट के अंदर में ही एक ईमेल आ जाएगा। तो उस ईमेल को आप ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको एक डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो उस डाउनलोड फाइल्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जो फाइल है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन ईबुक का, वो फाइल जो है वो डाउनलोड होकर के चला जाएगा आपके स्मार्टफोन के डाउनलोड फोल्डर में। अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड किया है तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में वो चला जाएगा। वहां से आप उसे ओपन करके अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन में आसानी से पढ़ सकते हैं। आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं, वो डाउनलोड होकर के आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में चला जाएगा। आपको बार बार ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया बस। उसके बाद फिर आप उसे कई बार, आप 100 बार 200 बार जितने बार आप उसे पढ़ना चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। वो बुक आपकी हो गई, वो आप उसे कहीं पर भी रख सकते हैं, आप उसे कॉपी कर सकते हैं इधर से उधर, यानी आप अपने लैपटॉप से कंप्यूटर में रख सकते हैं या कंप्यूटर से स्मार्टफोन में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसे कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए कि उस बुक को परचेस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जा रहा है, तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वो बुक खुलेगा, तो बुक खुलने पर आपको फिर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर अपने ईमेल आईडी से उस फाइल को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड फोल्डर में अपने स्मार्टफोन के या लैपटॉप में चेक करना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, और कुछ परेशानी हुई तो मैं तो हूँ ही, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप में से जितने लोग जो नए राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या फिर एडिटर्स हैं, वो लोग इस बुक को एक बार ज़रूर जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए और परचेज करके आप उसे एक बार पढ़िए। और मैं यकीन बोलता हूँ कि आपको स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन में इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगी, आप स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को अच्छे से सीख जाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यकीन मानिए, एक बार आप इसे पढ़ कर देखिए। खरीदने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, अब आप जल्दी से एक काम और कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अच्छे से कर दीजिए, ताकि क्या हो कि जितने भी नए राइटर्स, डायरेक्टर्स या फिर एडिटर्स हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस ईबुक के बारे में पता चले और वो लोग भी इस ईबुक को परचेज करें, ताकि सभी को इसके बारे में नॉलेज हो। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।